और यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरी तैयारी हो गई चूल्हा डालने की, और ये है हमारी बड़ी बुआ और ये है छोटी बुआ। देखिए दोस्तों बुआ छोटी बुआ को देंगे कि नहीं? हाँ हमारी बुआ छोटी बहन है, अपना दिया क्या दिया? हाँ बुआ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का नीपा ब्लॉग्स में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों अभी देखिए हम लोग सुबह सुबह जो है छत पर आकर के बैठे हैं दोस्तों। और परी की मम्मी क्या बता रही थी तुम कि ये तुम्हारा साड़ी कितने साल पुराना है? 2 साल। तो दोस्तों 20 मई को 2 साल हो गया है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जो है परी की मम्मी बोल रही थी कि देखिए मेरा 2 साल जो है पुराना हो गया है साड़ी, तो अभी नया वाला साड़ी खरीदना है। तो दोस्तों हाँ, तो जरूरी जो है नया साड़ी तो हम लोग खरीदेंगे, क्योंकि इसी महीने में अभी शादी होने वाला है हमारे चाचा के लड़के की। तो शायद आज चूल वगैरह पड़ेगा ना, आज बुआ हमारी दोस्तों आएंगी। तो आज दोस्तों हमारी दोनों बुआ श्री आएंगी, छोटी वाली बुआ और बड़ी वाली बुआ। तो आज दोनों जो है बुआ आएंगी दोस्तों फर्स्ट क्लास। और आज पढ़ने वाला है चूल दोस्तों, क्योंकि शादी जो है कितने तारीख को है? 25 मई को ना, मतलब इसी महीने में दोस्तों 25 तारीख को शादी है। तो काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों इस महीने में जो है, क्योंकि हम लोग शादी में जो फर्स्ट क्लास जो है अपना सेलिब्रेट करेंगे शादी को। और दूल्हा भी आ जाएगा, यानी कि हमारे चाचा का लड़का जो है आज या कल में आ जाएगा दोस्तों। जो है ट्रेन पर बैठ लिया है, मुंबई में रहते हैं, तो आज वो आने वाले हैं, आज या कल। तो दूल्हा श्री आने वाले हैं, इनके देवर श्री और मेरा भाई। और देखिए दोस्तों अभी हमारा गुग्गू भी आ गया। आओ बाबू, हमारे छोटे भाई का लड़का है और ये हम लोगों के साथ में, ज्यादातर हम लोग के साथ में रहता है। देखिए दोस्तों बोलता है, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो बाबू। हाँ देखो उधर, देखो दोस्तों को बताओ हाय। बाय नहीं, हाय। तो दोस्तों बहुत ही प्यार लड़का है, बहुत प्यार करते हैं हम लोग और ज्यादातर हम लोग के साथ में रहता है। तो दोस्तों जो है आज हमारी बुआ जाएंगी, दोनों वाली बुआ। लगभग कितने बजे आएंगी वो? तो 12-1 बजे आएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट क्लास मिलवाएंगे दोस्तों हम अपने बुआ से, क्योंकि वो हमारे ब्लॉग में जो है पहली बार आ रही हैं दोस्तों, हमारी बुआ जी। तो बहुत ही प्यारी बुआ है हमारी दोनों, बहुत ही अच्छी बुआ है दोस्तों, बड़ी छोटी दोनों। और मिलकर के काफी खुशी होगी दोस्तों। और दोस्तों हमारे गाँव में जो है, जो देहात का रीति रिवाज है, उसमें सबसे पहले जो है चूल डाला जाता है दोस्तों, यहीं से शुरुआत होता है दोस्तों शादी का। और ये चूल डालने का काम जो है बुआ करती है या बहन करती है ना? बहन करती है, बुआ करती है। बच्चों को आज टीका लगाया जाता है, तो मिट्टी का चूल जो है दोस्तों डालेंगे, और उसमें जो बुआ सीट जो है डालेंगे चूल को। और हो सकता है कि छोटी बहन भी आएगी ना? नहीं हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आ जाएंगे दोस्तों। तो मजा आने वाला है दोस्तों आज काफी। तो वहाँ पर हमारे बुआ आ गई दोस्तों, हमारी मम्मी मिल रही है। आ बैठा है क्या बाहर? पंखा चल रहा अब घर बुलवा घर बाहर ये सी हाय और बच्चे से नहीं आओ। अब बच्चे को आओ, अरे हम रात तक करवा लेंगे। और अब जाए ऊपर आ। और ये देखिए दोस्तों हमारी पीहू अपने चाचा के पास पहुंच गई है। पीहू चाचा मिल गए हैं। अरे देखिए दोस्तों सभी बच्चे कितना मस्त हैं, यहाँ पर स्नेहा और यहाँ पर परी हमारी बुआ आ गई हैं, तो सब इसलिए बहुत खुश हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे सब लोग गाने गा रही हैं, जो देहात में रस्म होता है गाने का, दोस्तों सब गा रही हैं। और देखिए दोस्तों हमारी बुआ माटी को सान रही हैं, हमारी छोटी बुआ भी हेल्प लगी हुई है। और ये देखिए दोस्तों इसको टीका जा रहा है, हमारे यहाँ ये रिवाज है टीकने का। आ देखिए दोस्तों सूपे में रखा हुआ है। Yeah.
हो ना जो मटका वटका रखने के लिए हाड़ी उड़ी जो होता है ना दोस्तों देहात में, तो वही है ये रखने वाला। और देखिए यहाँ पे छोटा सा चूल्हा तैयार हो गया है और ये देवता हो गया ये। हाँ ऐसे देवते बालों को बांधा जाता है, देव पितर बोलते हैं दोस्तों। आप लोग तुम्हें दिखा रही हूँ, देखिए और यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी लोग गा रही हैं। हमारी जेठानी दीदी भी, हमारी बड़ी अम्मा है, ये हमारी सनेहा की मम्मी, हमारी देवरान है सनेहा की मम्मी है। देखिए दोस्तों पीली साड़ी वाली ये देखिए सृष्टि की मम्मी आ गई है नेक डालने के लिए, परी लगवा लो टीका। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी बच्चों को टीका लगाया जा रहा है छोटी छोटी कन्याए को। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सिंदूर और तेलवान का रसम हो रहा है। हमारे यहाँ जब चूल्हा पड़ता है दोस्तों तो तेल और सिंदूर लगाया जाता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी अम्मा गा रही हैं। आज हमारे घर से काम शुरू हो गया है दोस्तों। तो अरे हमारे बहुत बहुत महाइल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी बुआ चूल्हे को पाट डाल रही है चूल्हे का। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी बुआ का जो नेक मिला हुआ है, देखिए दोस्तों हमारी बुआ गिन रही है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में कि हमारी बुआ इतना नेक पाई हुई है। और वहाँ पे हमारी छोटी बुआ बैठी हुई है, बुआ आओ गिनो। और यहाँ पे देखिए दोस्तों पैसा हम लोगों ने बांट दिया है, वो दोनों बुआ बराबर हिस्सा पा गए हैं। ये देखिए कितना मस्त कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे बैटरी भी आ गए हैं कमा के। हाँ खुश रहो खुश रहो। लेकिन वाह घर आ, ये देखिए दोस्तों जिनका शादी दूल्हे आ गए हैं ये अभी अभी आ रहे हैं मुंबई से। अरे देखिए दोस्तों हमारी परी अपने चाचा का पैर छू रही है। बाबू तुमने कल छू गए चलो ठीक है। ये देखिए तो सब कितने बच्चे खुश हैं आज, आज हमारी बुआ भी आ गई है। अब यहाँ देखिए दोस्तों हमारी बुआ चूल्हे को खड़ा कर दी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे बाबू लेकर क्या है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारे भैया सबको ठंडा बांटे आज, खुशी में सबको ठंडा पिला रहे हैं। और ये हमारे भैया पी रहे हैं, बुआ के लड़के हैं। हेलो भाभी हेलो नहीं हम नहीं हेलो पी रहे थे। यहाँ पे परी आइस भी ठंडा पी के पूरा मस्त हो गए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी बुआ चाय पी रही हैं, काला चाय दोस्तों, दूध नहीं है तो क्या। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी बुआ छोटी वाली बुआ चूल्हे को पूरा कम्प्लीट करके अच्छा कर दी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये देखिए चूल्हा। और यहाँ पर परी भी देख रही है, परी देख रही हो ना, तुम भी जा रहे हो देखने। सही है
हाँ देखिए दोस्तों, हमारी बुआ चूल्हा को पूरा कंप्लीट करके बना दी हैं, और कुछ बड़ी बुआ बनाए कुछ छोटी बुआ। तो अब हमारी बुआ जा रही हैं, जाने की तैयारी होने वाला है, हमारी बुआ रुकेंगी नहीं। और यहाँ पर भी एक चूल्हा, यहाँ पे एक चूल्हा बना, अभी पूरा बन गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा चूल्हा पूरा रेडी हो गया है। हमारी दोनों तो बुआ चली गई दोस्तों अपने अपने घर, अब शाम भी हो चुका है दोस्तों। अब परी हमारी अपनी दादी के साथ दोस्तों गई हुई है शादी में दोस्तों, यही थोड़ी दूर पे हरदिया है, वहाँ पर शादी में गई थी अपनी दादी के साथ में। बाबू हमारा अपने चले साथ चल गया टहलने के लिए दोस्तों। तो सब शाम हो चुका है, तो आज का वीडियो हम ही समाप्त करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बने रहिए इसी तरह हमारे ब्लॉग में, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।